all we rise and shine. AI Aasan Hai, we're learning's divine. Algorithms and codes in Hindi we convey, lighting up minds in the most innovative way. AI Aasan Hai, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. AI Aasan Hai, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. Oh, 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 oh. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का AI आसान है कि नए एपिसोड में। दोस्तों जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि कितने तरीके के सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिथम होते हैं और किस तरीके से पाइथन लाइब्रेरी और फंक्शन का यूज करके उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उस एल्गोरिथम को ट्रेन किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग सारा का सारा एल्गोरिथम देखेंगे और पाइथन के कुछ फंक्शन देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हर एक एल्गोरिथम के बारे में अलग से अलग वीडियो बना करके हम लोग डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में आप देखेंगे, तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा होता है, उस डेटा का यूज करके हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, तब जाके वह कहीं नए डेटा के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। तो वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग का यूज होता है, जहाँ पे हम लोग लेबल डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सुपरवाइज लर्निंग से सभी लोग परिचित हो गए होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो आप पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, और सुपरवाइज लर्निंग का आप इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं, कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं एल्गोरिथम के बारे में बात करूंगा, तो दोस्तों कुल मिलाजुला के 6, 7 या 8 एल्गोरिथम होंगे इसमें सुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग में भी 5-6 होंगे, ठीक है। इस तरीके डीप लर्निंग में भी मान लो कि 7-8 होंगे। तो कुल मिलाजुला के टोटल 30 एल्गोरिथम का खेल है ये, 30 से भी कम 25 एल्गोरिथम का खेल है। तो 25 एल्गोरिथम हमें पढ़ना है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को डीप से जानने के लिए, ठीक है। तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई मेहनत कर पढ़ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। AI आसान है जान लीजिए, इसीलिए इस चैनल का नाम AI आसान है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द सुपरवाइज लर्निंग, इसका डिफिनीशन एंड ओवरव्यू मैंने आपको बता ही दिया। इसका की कंपोनेंट क्या होंगे, लेबल डेटा, मॉडल ट्रेनिंग एंड प्रेडिक्शन, ठीक है। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट चीज, लेबल डेटा होगा, मॉडल ट्रेनिंग होगी एंड प्रेडिक्शन के थ्रू हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के जो एल्गोरिथम होंगे उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला एल्गोरिथम देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग का, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन जैसा कि मैंने बताया था कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज तब करते हैं जब हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है या कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए होता है, तब हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज करते हैं। आप यहाँ थ्योरी पढ़ सकते हैं, ए मेथड फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सवाल ये उठता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। समझ लीजिए दोस्तों, अगर मैं एक फार्मूला लिखूं y = mx + c, ठीक है, या y = ax + bx, ऐसे मैं कोई फार्मूला लिखूं, तो यहाँ पे जो x होगा वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y होगा जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पे ही हमारी y की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है लीनियर रिग्रेशन में, ए मेथड फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वहां पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन है रियल एस्टेट प्राइसिंग के लिए, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग के लिए एंड रिस्क असेसमेंट के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। रियल एस्टेट प्राइसिंग के लिए कैसे करेंगे, जैसे रियल एस्टेट में आपको किसी घर की कीमत का पता लगाना हो तो हम लोग देखेंगे कितने BHK का फ्लैट है, क्या उसका एरिया है, लोकेलिटी का है, क्या है, कौन से फ्लोर पे है और नज़दीक में हॉस्पिटल मार्केट है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें पता लगा के हम लोग अपने घर की कीमत का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा रहेगा, इस हाउसिंग से रिलेटेड डेटा रहेगा, उस डेटा से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। उसके बाद जब कोई नया वैल्यू या नया कोई वेरिएबल आएगा, नई घर की कीमत का पता अगर करना हो, तो वहाँ पे हम लोग उस घर की कीमत का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग में भी लीनियर रिग्रेशन का यूज होता है, इस तरीके से रिस्क असेसमेंट में भी लीनियर रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ पाइथन का यूज करके कैसे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और कौन कौन सी पाइथन की लाइब्रेरी होती हैं जो कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, फ्रॉम स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझो, लीनियर मॉडल से हमने लीनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट किया। स्केलर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग में इसका वास्टली यूज होगा, वाइडली यूज होगा, इसलिए यह याद कर लो ये स्केलर्न का यूज मशीन लर्निंग में हर जगह होगा। ठीक है, इसको इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। फ्रॉम स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। यहाँ हमने अपना मॉडल बनाया, फिर उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया किस डेटा पे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन हमारा क्या है, डेटा है जिससे हमें उसको ट्रेन करना है अपने मॉडल को, और वाई ट्रेन क्या है, लेबल है, मतलब आउटपुट है। ठीक है, इस डेटा पे ट्रेन करेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग टेस्टिंग वाले डेटा पर। ठीक है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, यानी कि टेस्टिंग डेटा में और ट्रेनिंग डेटा में डिवाइड करते हैं। ट्रेनिंग डेटा से हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं और टेस्टिंग डेटा से हम लोग मॉडल को वैलिडेशन करते हैं कि हम जो ट्रेनिंग अपने डेटा को दिए हैं वो सही से दिए हैं या कि नहीं, या सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग उसको टेस्ट डेटा पे उसका वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो 80% जो डेटा होता है वो ट्रेनिंग के लिए होता है, 20% जो डेटा होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है। उसके बाद हम अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जब हम लीनियर रिग्रेशन को अलग से एक वीडियो बना करके जब हम लीनियर रिग्रेशन को डीप में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे सभी बातों को बताएंगे। अभी तो हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम बता रहा हूँ। अब देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका यूज कैसे होता है। इसका यूज ऐसे होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाइनरी आउटकम बेस्ड ऑन वन और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल। मतलब बाइनरी आउटकम होता है या तो यस या तो नो, या इधर 0 और 1। जहाँ पे इस टाइप के आउटकम की हमें आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं ईमेल स्पैम डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक। मतलब ईमेल स्पैम, आपके पास जो ईमेल मेल बॉक्स में ईमेल आता है उसमें से डिटेक्ट करना कि कौन सा ईमेल इसमें स्पैम ईमेल है, तो वो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। क्रेडिट स्कोरिंग, मतलब क्रेडिट स्कोर खराब है, सिविल स्कोर है, या सिविल स्कोर अच्छा है या सिविल स्कोर खराब है, उसका पता भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम लोग लगा सकते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिस में भी लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज होता है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरी और कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं इसको मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो देखिए फ्रॉम स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी हमें जब लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था तो हमने स्केलर्न डॉट लीनियर मॉडल से हमने लीनियर रिग्रेशन इम्पोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्पोर्ट कर रहे हैं मॉडल पर। उसके बाद बनाएंगे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, उसके बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे कैसे, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, प्रेडिक्शन करेंगे अपने मॉडल को टेस्ट डेटा के आधार पर। ये सभी की सभी ये जो मॉडल को ट्रेनिंग की जो इसकी रूपरेखा होती है, ठीक है, ये जो मॉडल ट्रेनिंग का जो हम लोग एक ढांचा तैयार करते हैं वह लगभग सेम होता है हर एक मॉडल में। ठीक है, आने वाले कोड में भी आप देखेंगे कि हम लोग इसी तरीके से मॉडल अपना इंपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से मॉडल को ट्रेन करेंगे, इसी तरीके से मॉडल को टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि हम लोग अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। दोस्तों एक एक एल्गोरिथम को हम लोग अलग से वीडियो बना करके जब डीप में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में और भी अच्छे से पता लग पाएगा। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करें। डिसीजन ट्रीज, डिसीजन ट्री क्या होता है? ए डिसीजन ट्री एल्गोरिथम इज ए फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। ठीक है ना, वेयर ईच ब्रांच रिप्रेजेंट ए चॉइस एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट ए आउटकम। ठीक है, एप्लीकेशन क्या, कस्टमर सेगमेंटेशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड लोन अप्रूवल। मान लीजिए कोई लोन के लिए अप्लाई करता है किसी बैंक में, या तो लोन देना है या तो लोन नहीं देना है। लोन किसको देना है? इसका सिविल स्कोर अच्छा होगा। सिविल स्कोर का मेजरमेंट क्या है, 750 से 850 में जिसका होगा उसी को लोन देना है। अब उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है ये सब चेक होगा, उसके बाद ही उसको लोन दिया जाएगा। तो हर एक स्टेप में यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का यूज किया जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि भाई पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरी और कौन कौन सी फंक्शन इसमें यूज किए जाते हैं। फ्रॉम sklearn.tree। अब देखिए हमने जो लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज किया था फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हमने इंपोर्ट किया था हम, और जब ट्री का यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री का यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है, हम अपने डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज किया गया है। मॉडल इक्वल टू हमारा कौन सा है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। इसके बाद अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, कैसे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में। उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे किससे, एक्स टेस्ट वाले डेटा से। जैसा दोस्तों मैं आपको बताते हुए शुरू से आ रहा हूँ कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा होगा उसको हम ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करेंगे। 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, 20% डेटा हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे मॉडल डॉट फिट का भी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। अगर हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे हमारा मॉडल ओवरफिट हो गया है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा नहीं काम कर रहा है और टेस्टिंग डेटा पे भी अच्छा नहीं काम कर रहा है, हम कहेंगे हमारा मॉडल बेकार हो गया है, अंडरफिट हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का भी चेक करते हुए चलते हैं हर एक मॉडल को ट्रेन करते समय। ये देखते हैं अगला हमारा क्या है, अगला कौन सा मॉडल है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। देखिए ये क्या होता है, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन इज ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये एसवीएम का मॉडल ऐसा है जिसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं और रिग्रेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नोज फॉर इट्स एबिलिटी टू क्रिएट ऑप्टिमल बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डेटा क्लासेस, ठीक है, या दो डेटा क्लासेस के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके हिसाब से अपने मॉडल को क्लासिफाई करते हैं कि इस बाउंड्री के एक तरफ जो रहेगा वो क्लास ए का होगा, इस बाउंड्री के एक तरफ जो रहेगा वो क्लास बी का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से डेटा के बीच में क्लासिफिकेशन करने के लिए यह बाउंड्री का काम करता है इस वाले मॉडल के अंदर, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इमेज क्लासिफिकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में हम लोग एसवीएम का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी पाइथन की प्रमुख लाइब्रेरी का यूज होता है और कैसे मॉडल को ट्रेन करते हैं। फ्रॉम sklearn.svm import svc, svc मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ठीक है ना। अब मॉडल हमारा क्या है, svc। उसके बाद मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, उसके बाद प्रेडिक्शन हमने किया मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। आप देख रहे हैं लगभग हर एक एल्गोरिथम में सेम टू सेम स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आप याद कर लेंगे, आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपको जो प्रोग्राम लिखने में जो है आसानी होगी, ठीक है ना। ये रहा हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। अब हम आगे जब इसका अलग से एक वीडियो बनाकर पढ़ेंगे तो उसका डीप में हम लोग जानेंगे। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन कौन से एल्गोरिथम है और कौन कौन सी पाइथन की लाइब्रेरी किस तरीके से हम यूज करते हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिथम है। अब देखिए के नियरेस्ट नेबर, ये क्या करता है, के नियरेस्ट नेबर मतलब कितने नियरेस्ट नेबर हैं तुम्हारे पास में, किसी पॉइंट के पास में जितने नियरेस्ट नेबर रहेंगे उससे उसका हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। कैसे, ये देखिए पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद बताऊंगा। द के नियरेस्ट नेबर यानी केएनएन एल्गोरिथम ये सिंपल वर्सेटाइल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेटा पॉइंट। इसका एप्लीकेशन क्या है, रिकमेंडर सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एनोमली डिटेक्शन, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में 2-4 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब कोई नया बंदा आएगा आपके बारे में पूछने के लिए तो वो क्या आपके पड़ोसी से पूछेगा कि ये कैसे आदमी है, कैसे आदमी है, ठीक है। तो पड़ोसी के बिहेवियर के आधार पे या पड़ोसी के मतलब स्टेटस के आधार पे आपका भी स्टेटस वहाँ पे वो पता लगा सकता है आदमी। तो इसी तरीके से हम लोग केएनएन का ही भी यूज करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहा केएनएन का यूज। तो केएनएन का थोड़ा सा हम लोग पाइथन में लाइब्रेरी और फंक्शन देख लेते हैं और कैसे मॉडल को ट्रेन करते हैं उसको देख लेते हैं। फ्रॉम sklearn.neighbors इम्पोर्ट के नेबर क्लासीफायर, ठीक है, मॉडल के नेबर्स क्लासिफायर, नंबर्स ऑफ नेबर्स इक्वल टू 3। हम लोग वही मैं कह रहा था 2-3 लोगों से पहले पूछना पड़ता है, इसलिए हम लोग के की वैल्यू यहाँ पे पहले अपने आप हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे रखते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। उसके बाद ही हम लोग अपने डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एंड प्रेडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। लगभग ये स्ट्रक्चर हर एक मॉडल में, हर एक एल्गोरिथम में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग क्या हो सकती है। हेल्थ केयर प्रेडिक्शन हो सकता है, फाइनेंस में क्रेडिट स्कोरिंग और रिटेल में कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। ये तो कुछ एग्जांपल हैं जिसका मतलब जिनमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने देखा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं, उनके बारे में बेसिक ओवरव्यू लिया और ये भी देखा हम लोगों ने पाइथन की लाइब्रेरी और फंक्शन का किस तरीके से उस अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर भी करें। और जो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इसका अगर आपको मतलब ये स्लाइड आपको चाहिए कि तो मैं आपको स्लाइड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको मिल जाएगा यहाँ पे AI आसान है कि गिटहब अकाउंट में github.ai आसान है AIML नोट्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सुपरवाइज मशीन लर्निंग ऑल एल्गोरिदम बाय AI आसान। यहाँ पे आप जा करके आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। Guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. AI Aasan Hai, guiding you through machine learning, deep learning, all brand new in every byte and pixel. Knowledge unfurls, empowering India in the AI world. Oh.